आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का करमकदम है। मशहूर व मारूफ फिल्मी अदाकार बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के जन्मदिन के मौके पर बैंगलोर शहर में एक ज़बरदस्त और शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम एक शाम धर्मेंद्र के नाम। जी नाजरीन, सनशाइन की पेशकश DSB ग्रुप बैंगलोर फैंस क्लब की जानिब से बैंगलोर शहर में वाक़ साउंड ग्लेज ब्रिगेड रोड पर 17 दिसंबर 2023 बरोज इतवार धर्मेंद्र जी के जन्मदिन के मौके पर एक शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम एक शाम धर्मेंद्र के नाम रखा गया। इस शानदार म्यूजिकल नाइट में बड़े मारूफ खूबसूरत आवाज के मालिक सिंगर्स नामी ग्रामी गुलोकार ने शिरकत फरमाई। बता दिया जाए बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के 88th जन्मदिन के मौके पर उनकी याद में रखे गए इस शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम में बेहतरीन गुलोकार और नायाब प्लेबैक सिंगर नियाजुद्दीन नियाज साहब भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी बेहतरीन आवाज में धर्मेंद्र जी के गीतों को खूबसूरत अंदाज में गाया और इस महफिल को मजीद खूबसूरती बख्शी, जैसे कि इफ्तू, प्रिया, जुल्फी, शकील, कलीम, अंसार, रफीक, राजू, चन्नू, मुनीर, इन सभी ने अपनी प्यारी और दिल लुभाने वाली आवाजों में धर्मेंद्र जी के गानों को बेहतरीन अंदाज में गाया और इस महफिल को और भी खूबसूरत बना दिया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। इस गीत को पेश कर रहे हैं हमारे TVS सारेगामा के फेमस जुल्फिकर साहब और उनका साथ दे रहे हैं प्रिया जी। ओ मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। हो तू भी हो सनम
Thank you.
अच्छे दोस्त थे धर्मेंद्र, बहुत आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं और आज उनका जन्मदिन है। हम लोग बहुत खुशी से सारे बेंगलोर में उनके फैंस ये जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ का एक ग्रुप है DSB बेंगलोर ग्रुप, ये जो उसके चेयरमैन हैं शकील अहमद, और बड़े ज़ोरों शोर से उनका बर्थडे मनाते हैं हर साल, और इस साल भी वो मना रहे हैं। मैंने धर्मेंद्र के जितने भी गाने हैं और सब पूरे, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, क्या मिली ऐसे लोगों से, और छलका ए जाम, ऐसे बहुत से सारे गाने मैंने गाए हैं। उनकी सभी फिल्में तो एकदम नंबर वन पे हैं, कोई फिल्म को निकाल नहीं सकते, कोई फिल्म को कमज़ोर नहीं बना सकते, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक फिल्म है। कूलर पत्थर धर्मेंद्र का रोल जो था बहुत अच्छा पसंद आया रोल का, और अच्छे गाने भी अच्छे थे, और मीना कुमारी की अदाकारी भी अच्छी थी। तो आपको कौन से सीन अच्छे लगे? सीन तो बहुत हैं पिक्चर के अंदर, हर एक सीन एक से एक नंबर वन पे है। शानोस पाशा मेरा नाम है, मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। मैं ड्यूअल फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। हमारी पूरी ग्रुप है ना, या बॉबी सर का, या सनी सर का, या बड़े पापा जी का, बड़े सबका बर्थडे हर धूमधाम से मनाते हैं। हम बॉम्बे भी जाते रहते हैं और इतनी इज्जत करते हैं, वो हिंदू मुसलमान देखते नहीं, घर को गए तो इतनी इज्जत करते हैं, बाजू बिठा के क्या बेटा कैसा है, अच्छे हैं क्या, बेंगलुरु में सब पूरा पूछते हैं। सनी भाई भी अच्छा पूछते हैं। बॉबी सर भी परसों एनिमल के प्रेमर को बेंगलुरु को आए थे। ये हमारे शकील भाई थे, हम सनी देओल के लड़के की शादी को गए थे बॉम्बे की ताज होटल में। इतनी इज्जत किए हैं, बॉबी सर ने ऐसा बाजू हाथ में दल लेके, ये मेरे फैन नहीं मेरे भाई हैं, बेंगलुरु के बहुत दोस्त हैं मेरे, उनको बहुत इज्जत किए हम ना मुसलमान को, वो थोड़ा ये भी नहीं, हिंदू मुसलमान देखते ही नहीं कोई जात, हर इंसान को इज्जत करते हैं। हमें भी बहुत साल जा रहे हैं, मेरे को बेंगलुरु से वसीम भाई को हैं सिटी मार्केट से, वो लेके गए थे, अल्लाह ने उनको कोरोना में बुला लिया, अल्लाह बुला लगा। अब हमारे शकील भी जो शकील नईम पूरा अंसर उन सब पूरी ग्रुप है हमारी, वो हमें पूरा संभाल रहे हैं। तो धर्म जी का डायलॉग्स को याद है? हाँ बोलूँगा इंशाल्लाह। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है जमाने से हम नहीं। बोला मेरा नाम मुबारक, मैं सनी देओल का बहुत बड़ा फैंस हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक धर्म जी का नाम रहेगा, बोलो सनी देओल की। मैं आई के देओल फैमिली का बहुत बड़ा फैंस हूँ, इंडियन ड्रामर सनी देओल की जय। अस्सलाम वालेकुम धर्मेंद्र साहब, आपका मैं फैन हूँ, हमने हमारा खानदान पूरा आपका फैन है। जब तक रहेंगे, जोर से बोलो, जब तक रहेंगे आपकी दुआ से हम सलामत रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन खानम है, मैं धर्म जी की फ़ैन हूँ। 88 विश्व हैप्पी बर्थडे, हज़ारों साल जिए धर्म जी, उनकी फैमिली को सबको मेरे तरफ से मुबारक हो धर्म जी। और धर्म जी का बर्थडे मुबारक हो, मैं धर्म जी का फैन हूँ और धर्म जी से बहुत बहुत सालों से मैं चाहता हूँ, और मैं शोले पिक्चर की शूटिंग भी उनकी देखा था। 74 में शोले पिक्चर की शूटिंग रामनगर में देखा था मैं, जब छोटा था मैं, तब जब से मैं उनके फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, 40 साल से हमारी ग्रुप है, 40 साल से भी हम लोग फंक्शन कर रहे हैं धर्म जी के लिए। फंक्शन तो मामूली बात है, हमारी जान हाजिर है उनके लिए। जो उनसे मोहब्बत मिली है हमें, वो मोहब्बत हम अपना खून बेच के भी चुका नहीं सकते। तो आप 40 साल से जो है बर्थडे करते आ रहे हैं? हाँ करते हैं। जब मैं छोटा था तो दूसरे फैंस करते थे, उनका देख के मैं भी करना शुरू किया। ये आप कितना बर्थडे कर रहे हैं? ये मैं 20वां।
तो यहाँ बेंगलोर के जो ग्रुप है आपके कितने लोग रहते हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है? 5,000 आदमी के ऊपर है हमारी ग्रुप। तो आप जिम्मेदारी क्या है आपकी इसके अंदर? कुछ नहीं, फिल्मों को फंक्शन करते हैं हम लोग ग्रेनेड से उनके बैनरों पे। तो फंक्शन के टाइम पे हम पिक्चर, वो टाइम पे हम सुबह 6 बजे उठ के टिकट के लिए जाते हैं। आज तो ऐसा माहौल नहीं है, फ़ोन में बुक कर रहे हैं आज। तो आपको जो है सबसे पहले जब आप फिल्म देखे थे धर्मेंद्र जी की, तो उम्र कितनी थी आप? मेरी 12 साल थी। 12 साल। कौन सी पिक्चर पहली थी आप देखे? वो तो याद नहीं है, 100 टाइम मैंने यादों की बारात धर्मवीर 120 बार देखा हूँ, शोले हिसाब ही नहीं है उतनी बार देखा हूँ। तो ऐसी खास बात क्या है धर्म जी में जो आप इतने बार फिल्म देखे? धर्म जी से एक बार मिले तो लोहे और मैग्नेट का कलेक्शन रहता है, वैसा कलेक्शन है वो। तो आपको जो है बाबरी मस्जिद के गलाटे के टाइम पे जो है आपको धर्म जी की फैमिली ने साथ दिया और धर्म जी ने साथ दिया? बेशक बेशक। वाकया था वो? मैं उनके बर्थडे पार्टी पे गया था तो धर्म जी ने क्या बोला, ऊपर के रूम में खाली है जाके सो जाओ। तो हम क्या बोले, बैग लेके आते हैं बोल के गए। तो मुझे हिंदू मुसलमान के फसाद में मेरे को पकड़ लिए, सलाम किए, मैंने जवाब दिया तो पकड़ के मार दिए। तो उन्होंने नाना ओटी हॉस्पिटल बॉम्बे के नंबर 1 है हॉस्पिटल, मैं जाने से पहले 50 डॉक्टर मेरे को वेट कर रहे थे। 3 दिन में मैं डिस्चार्ज हो गया। अल्लाह ना करे अगर दूसरे हॉस्पिटल में गाता तो मेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी। अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे धर्म जी को कि 80 पर 8वां जन्मदिन है? अल्लाह करे कि 80 पर 8 साल नहीं, हजारों साल, लेकिन बोल रहा हूँ वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत और हयात का हम नहीं बोल सकते। बहुत निराला हूँ, गमों से पाला हूँ, जिन हादिसों से लोग मरते हैं उन हादिसों ने मुझे पाला है। 23 धर्म जी की फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, तीनों ने कामयाबी हासिल किए और सनी जी को भाऊ आई वो भी मुबारक हो, और ये 3 पिक्चर भी कामयाब हो गए, सबको मुबारक। हमारे डेल फैमिली की तरफ से मुबारक। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सा एक्टर नहीं है जो बाजू बिठा के अपने हाथ से खाना खिलाया। धर्म जी के हाथ से मैंने खाना खाया हूँ, वो ज़िंदगी भर मैं उनका एहसान भुला नहीं सकता। और जो भी एक बार धर्म जी से मिलेगा उनका दीवाना होके रहेगा।